नमः। ओम नमः परमहंसाद्वादकरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कटकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूरी, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणार वत्सल दीन दो दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण निलय अकारण करुणा वाले सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जू की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर भागवत जी की चर्चा करके एवं श्रवण करके अपने कानों को एवं अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। भागवत जी की विस्तृत चर्चा चल रही है। चौथे स्कंद में श्री पृथु जी महाराज का चरित्र हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम सेवा में उपस्थित नहीं हो पाए, इसके लिए हमें खेद है, दुख है। कल ऐसा ऐसी व्यस्तता हो गई जिसके कारण हम आ नहीं पाए, और हमारे आने से हमारे ना आने से तो जो सत्संग का जो एक प्रवाह है वो ही रुक जाता है। इसलिए हमें बड़ा दुख होता है। हम चाहते हैं कि हम रोज आए, समय से आए, लेकिन अब देखो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तमाम घर गृहस्थी के कार्य ऐसे होते हैं जो सत्संग में बाधक बनते, सत्संग नहीं करने देते। महाराज भगवान की कथा सुनने चलो, भगवान का भजन करने चलो तो तमाम अवरोध आते हैं, तमाम अवरोध आते हैं। रोकने वाले बहुत हैं,
और लगाने वाले कोई नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कहेंगे भाई भजन करो। दुनिया के लोग ये तो पूछते हैं कि भैया क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या नौकरी करते हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, तो कोई ये नहीं पूछता कि कितना माला जप करते हो, कितना भगवान का नाम लेते, कितना भगवान का भजन, कोई नहीं पूछता। और ना कोई प्रेरणा देता है, कोई नहीं लगाता। संसार में लगाने वाले बहुत हैं और भजन में लगाने वाला, भजन में सहायक तो कोई बिरला ही होता है। और महाराज भजन के अवरोधक बहुत हैं। तो महाराज कोई सत्संग करने बैठे, कोई भगवान का भजन करने बैठे, तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी कृपा है, जो तमाम तरह के अवरोधों को पार करके और हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत अवरोध आते हैं, बहुत ऐसे कार्य आते हैं जो आपको रोकते हैं। कभी कभी हम उन कार्यों में पड़ जाते हैं और फिर रुक जाते हैं, सत्संग में नहीं पहुंच पाते। लेकिन जिस घड़ी आप सत्संग करने बैठो ना, उस घड़ी आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की बड़ी कृपा है जो उनकी कृपा से आज हम सत्संग करने के लिए बैठे। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए। तो हम सब लोग प्रभु जी का मंगलमय चरित्र कह रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और अंतिम दिन हमने निवेदन किया, श्री प्रभु जी महाराज अपने प्रजाजन को उपदेश कर रहे हैं। तत्प्रजा भृत्र पिंडार्थम स्वार्थमेवा न सूयवः पुरुता दोक्षयधियस्तर्हि मेनुग्रह कृतः। प्रभु जी महाराज अपनी प्रजा प्रजा से कह रहे हैं कि यदि आप सब लोग धर्म का पालन करेंगे तो इससे आपका भी भला होगा और आप सब लोगों का मेरे ऊपर भी अनुग्रह होगा, क्योंकि आप जो पुण्य कर्म करेंगे उसका एक अंश मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जिससे मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो इसलिए महाराज मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आप सब लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर और महाराज भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्रभु जी ने तीन बातें बताई, उनमें पहली है दोष दृष्टि छोड़ना। कौन क्या कर रहा है उससे हमें उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपस में एक दूसरे के दोष नहीं देखना। होता क्या है माता जी, पुरुष देखता है स्त्री के दोष और स्त्री देखती है पुरुष के दोष और परस्पर कलह मच जाती है, लड़ाई हो जाती है और वो महाराज सुख शांति उनकी छिन जाती है, गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम नरक बन जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि हम अपने दोष देखें, हम अपनी कमी का अनुभव करें कि हमसे कहाँ कमी हो रही है। सामने वाले को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो जहां भैया हमसे कमी हो रही है, अपनी कमी को सुधार लेना है। सामने वाले को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो सुधरे तो सुधरे, ना सुधरे तो ना सुधरे, हमें सुधरना है, हमें स्वयं अच्छा बनना है। हम अच्छे हो गए तो सारा समाज अच्छा हो जाएगा, ऐसा विचार। और दूसरी बात बताई, भगवान का स्मरण करना है। अंतिम दिन भी इस बात की चर्चा हुई कि हम सब लोग भगवान का स्मरण चलते फिरते उठते बैठते अपने व्यवहारिक कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। भगवान के स्मरण करने में कभी कोई समय की बाधा नहीं है, कभी कोई ऐसी बाधा नहीं है कि भाई आसन पे बैठ के ही स्मरण करना है, ऐसी वाला नहीं है। एक एक विशेष नियम मंत्र के जप का तो नियम होता है कि आसन पर बैठकर ही मंत्र जप करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं, विधि निषेध नहीं। भगवान का नाम कैसे भी ले सकते हैं
और भगवान का स्मरण कैसे भी कर सकते हैं। और हमारे भगवान ऐसे दयालु हैं कि वे स्मरण से ही भला मानते हैं, स्मरण से रीझ जाते हैं। और तीसरा काम करना है अपने कर्तव्यों का पालन। जो भगवान ने हमें सेवा दी है वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो जैसी सेवा ठाकुर जी ने सौंपी है उसका पालन करना है ईमानदारी से, पवित्रता से। तो ऐसा करने से महाराज जीव का परम मंगल होगा और आप सबका मंगल होगा, तो मेरा अपने आप मंगल हो जाएगा। और बड़ी सुंदर बात पृथ्वी जी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं भाई धर्म अर्थ और मोक्ष चार प्रकार के जो चार प्रकार की जो ये फल हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये और स्वर्ग और अपवर्ग, ये सब महाराज भगवान गदाधर की कृपा के अधीन है। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, अपवर्ग की प्राप्ति सब कुछ मिल जाता है। तो इस सब की प्राप्ति में भगवान की प्रसन्नता परम आवश्यक है। ठाकुर जी पर हमारे ऊपर प्रसन्न हो ये बहुत आवश्यक है। तो पृथ्वी जी महाराज यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, बोले ये मैं नहीं कह रहा। बहुत से लोग कहते हैं भाई अपने कर्म को ही आदमी भोगता है तो इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है, ईश्वर क्या करते हैं। बहुत से लोग कर्मवादी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाग्य और प्रारब्ध और विधाता कुछ नहीं होता, जो आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रभु जी कह रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति में भगवान गदाधर की कृपा की आवश्यकता है। बिना ठाकुर जी की कृपा के, उनकी प्रसन्नता के बिना ना हमारा धर्म सिद्ध होगा, ना अर्थ सिद्ध होगा, ना काम और ना मोक्ष सिद्ध होगा। इसमें बड़े बड़े महापुरुषों का मत है, यही मत है जो बात मैंने आपसे कही है। कौन कौन? बोले मनु जी, उत्तानपाद राजा उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा शिव प्रहलाद बलि और अन्यान्य महान भावों के मत में यही बात सिद्ध होती है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो धर्म विमूढ़ हैं, जिनको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, ऐसे लोग इसमें कुछ और बात कहते हैं, उनका विचार कुछ अलग है। तो जिनको कर्तव्य का ही बोध नहीं है तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने भांग पी ली तो भांग पीने के बाद फिर उसको होश रहता नहीं तो कुछ का कुछ बकता है। तो जिसने नशा कर रखा है उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे ही जो अधर्म में लगे हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, ऐसे लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। आगे श्री प्रभु जी कह रहे हैं, यत पाद सेवा भिरुचिस तपस्विना मशेष जन्मोपजितम मलम धियः सद्यः चिणोत्यन्वह मेधति सती यथा पदांगुष्ट विनीशिता सरित। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए, जिनकी चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा, उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुख में संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ता, ऐसे भगवान के चरण कमल सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। जिस भाग्यशाली के हृदय में भगवान के चरणों की सेवा की अभिलाषा जग जाती है,
कि मुझे भगवान के चरणों की सेवा करनी है, ऐसी अभिलाष। तो प्रभु कह रहे हैं उस मनुष्य के सारे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, और महाराज जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, बोले उनके तो सारे मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। मानसिक दोषों को महाराज प्रक्षालन कर देती है भगवान की शरणागति, और महाराज फिर संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। ऐसे भगवान के चरण कमल सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों को आप लोग अपने अपने वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजादि मानसिक वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उन भगवान के चरणों का भजन करें, उन ठाकुर जी के चरणों को भजें। सीताराम राधे श्री, एक मिनट कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय